एंड वेलकम गाइस, आई एम अतुल एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड शोएब हैं। शोएब और गाइस, हम आज आपको BGVSU का पूरा व्यू बताएंगे और हर एक डिपार्टमेंट भी बताएंगे, जिसमें मैं आपको BGVSU की नेचर भी बताऊंगा, ब्यूटी बताऊंगा उसकी, और हर एक डिपार्टमेंट की इंट्रो भी दूंगा कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पे है। क्योंकि जो भी कोई इधर आता है, कोई अगर बच्चा है, मतलब कि न्यू एडमिशन है, उसको थोड़ा पता नहीं। अगर हमारा YouTube चैनल आगे मतलब आप तक शेयर हो रहा है, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे इस वीडियो के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पे है और आपको बिल्कुल उसमें आसानी हो जाएगी एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए, ठीक है। और हमें स्टार्ट करने के लिए फिर हम व्लॉग अब स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे BGSU में ये जो है नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल है। इस टाइम हम नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल के पास है, मतलब कि ये सबसे ऊपर टॉप व्यू है। उसके बाद हम आपको BGVSU की आगे कंटिन्यू ब्यूटी बताएंगे। इसके बाद ये देखिए और ये देखिए पीछे स्नो, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताऊंगा, बहुत ही अच्छा। आप आइए एक बार यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वादियों में BGVSU ये यूनिवर्सिटी खुली है। गाइज, ये रहा BGVSU का एक्सटीरियर व्यू। आपको अगर अच्छा लगा हुआ प्लीज वीडियो को देखें, प्लीज लाइक तो पक्का एक बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है प्लीज। और अब हम स्टार्ट करेंगे BGVSU का इंटीरियर व्यू। अब आपने एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर में सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग का वर्कशॉप। ये देखिए, यहाँ वर्कशॉप के अंदर काफी सी लेबोरेटरीज हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते कि BGVSU में ये मतलब के लैब वर्क नहीं है, ये वो, ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छा है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। सबसे पहले ये रहा सिविल इंजीनियरिंग। नीचे हमारा, आपको मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा, ये रहा हमारा नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद फिर मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा, ये हमारा रहा सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, जहां पे हमारे डीन आसिफ हुसैन सर बैठते हैं और काफी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स और HOD वगैरह सब बैठते हैं जिसमें। सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग के वर्कशॉप के फ्रंट साइड, फ्रंट व्यू आप इसका देखिए, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग, अगर आप गाड़ी ला रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। और जिस बाइक में आए हैं, हमारी बाइक भी ये रुकी हुई है। अब मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। यूनिवर्सिटी में आए तो खाने पीने की विदाउट टेंशन करके आए, क्योंकि हमारे इधर ये देखिए विशाल भाई की कैंटीन है, जिसमें आपको हर चीज वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा। गाइस ये देखिए पार्किंग भी है। गाइस यार, यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, इतना मस्त व्यू है। और गाइस हम पहुँच के चुके हैं इस टाइम हॉस्टल की तरफ, जहाँ पे हमारे बॉयज हॉस्टल दिखेंगे आप। इस हॉस्टल का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल। तो इसका व्यू आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का व्यू है। गाइस इसकी बिल्डिंग की लुक देखिए, और इधर आपको अंदर मैस भी मिलेगा। मैस में अच्छा अच्छा प्रोवाइड, मतलब के बिल्कुल अच्छा और फ्रेश खाना आपको मिलेगा, हर एक चीज अवेलेबल है। हफ्ते में दो बार आपको चिकन भी मिलेगा। ओके गाइस, और अब हम पहुंच चुके हैं सब स्टेशन BGSBU का। इसमें आपको आप बताएंगे जहां पे मतलब के BGSBU की इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोवाइड होती है हर एक डिपार्टमेंट की तरफ, मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए इधर, इतनी देर आप व्यू देखिए उसका व्यू। जी जी भाई, देखिए पहले वीडियो में बताया था कि
कितने केवी का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर देखिए 25,000 केवी का ट्रांसफार्मर है। मैं वीडियो को फुल जूम करूंगा, इसमें आप इसमें देख सकते हैं। ये है हमारे अतुल भाई और हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर। अंदर का व्यू आप देख सकते हो, किस तरह का व्यू है। ये मशीनें लगी हुई हैं, पूरा सिस्टम है, इसी के ऊपर कंट्रोल है, इसी के आगे की वजह से पूरा हमारा मतलब कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है सारा इसी की वजह से होगा। ये जैसे कि हॉस्पिटल हुआ जी, तो यूनिवर्सिटी हुआ, इसको हम बंद नहीं कर सकते। अच्छा, ये चल सकती। चलो ठीक है अंकल, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें भी। तो गाइज अब हम सब स्टेशन से निकल चुके हैं और अब आपको हम आने जाने का व्यू बताएंगे यूनिवर्सिटी का। और अब हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट है। हम आपको वो वाला व्यू बताएंगे और वो डिपार्टमेंट बताएंगे, उनका थोड़ी ब्यूटी बताएंगे आपको। ठीक है शोएब भाई, कंटिन्यू करें व्लॉग्स को। और गाइज ये रास्ता हमारा जाता है BGBSU कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट जो है यहाँ के, उसकी तरफ ये जाती है ये वाली रोड। ठीक है, और हम आपको हम बताएंगे इधर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। और ये देखिए इधर पीछे इस तरह से है, ये हमारा रहा आईटी डिपार्टमेंट। जूम करके देखिए आप, ये रही आईटी की बिल्डिंग, ये रही हमारी कंप्यूटर साइंस CSE जिसको बोलते हैं उसकी बिल्डिंग, और ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टडीज की बिल्डिंग, और ये रही हमारी पार्किंग। गाड़ियाँ यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का व्यू थोड़ा इस तरह से है गाइज। अब इधर से नीचे जाने का, और गाइज अब आगे जहाँ हम गए थे हॉस्टल में, वो देखिए वो भी बॉयज हॉस्टल है, वो भी बॉयज हॉस्टल है, और वो भी बॉयज हॉस्टल ही है। वो अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन है, हॉस्टल ही है। ठीक है, ये तीनों बॉयज ही हॉस्टल हैं गाइज। यहाँ से आप आगे का व्यू देखिए, और अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ। उसका आपको ECE का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे ECE के बच्चों की क्लासेस वगैरह लगती हैं, और उसके नीचे हमारा इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है गाइज। ECE का व्यू थोड़ा इस तरह से है बाहर से। अब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल का व्यू थोड़ा इस टाइप का है, मैं आपको इसका फ्रंट व्यू बताऊंगा। ठीक है, इसका फ्रंट व्यू मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें पार्क, ये देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल का व्यू थोड़ा इस तरह से, मैं जूम करके बता रहा हूँ ये। ठीक है, कैंटीन का व्यू आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, और इसका जो आगे फ्रंट का व्यू है वो थोड़ा इस तरह से है, इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और गाइज इसके नीचे आपको मिलेगा सबसे अच्छी चीज, सबसे तगड़ी चीज, ये है यूनिवर्सिटी का सोलर पावर प्लांट, जिसमें 100 kW की ये लगी हुई है। ये देखिए 100 kW की, मतलब समझ लो आप। ठीक है, आपको मैं आगे से बताता हूँ इसका, थोड़ा सा और आगे से नीचे चल के मैं आपको बता रहा हूँ सोलर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है गाइस, ये देखिए दिख रहा है आपको, मैं आपको थोड़ा सर अब्दुल्ला साहब ने दिया था, जो हमारे होनरेबल चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। इसके अंदर सारा ये अभी मतलब कि इसमें लॉक लगा हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका अंदर बता देता। ये देखिए उर्दू डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, तो हम ये है। अब हम और अब हम जा रहे हैं इस तरफ, और सबसे बड़ी बात BGSBU में देखिए पहाड़ी में लोगो डाला हुआ है, कहाँ पे डाला हुआ है इसका लोगो वो देखिए BGSBU में। जब इधर कोई फंक्शन होता है ना तो इधर फ्लैग्स लगाए जाते हैं बहुत अच्छा, और इस जगह में भी फ्लैग्स लगाए जाते हैं जहाँ मैंने आपको पहले बताया था ये सारी जगह। गाइस ये रहा नीचे एडिटोरियम, और ये रहा हमारा गेस्ट हाउस, ये नया बन रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये रहा हमारा यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह रहती है, उनके क्वार्टर्स वगैरह हैं ये। और अब गाइस ये रहा हमारा नर्सिंग कॉलेज, ये रहा यूनिवर्सिटी का पॉलिटेक्निक ब्लॉक, जहाँ पे पॉलिटेक्निक्स के बच्चे बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डीन ऑफ स्टूडेंट रहा ये वाला, और ये हमारा रहा हमारा हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर का व्यू मैं आपको आगे से बताता हूँ, इसका फ्रंट व्यू कैसा है
गाइस ये रहा हेल्थ केयर का व्यू थोड़ा इस तरह का है। और यहाँ पे देखो हमारे हमने बाइक किया पार्किंग, यहाँ पे एक गाड़ी भी लगी है। और ये देखिए गाड़ी आ रही है, ये कौन सी गाड़ी आ रही है जहाँ पे यूनिवर्सिटी में आगे पीछे मतलब के थोड़ा बहुत सामान लेके जाया जाता है वो गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि आप बोलेंगे हेल्थ केयर में है लेकिन इधर मतलब कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, इधर एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस मैं थोड़ी आपको जूम करूँ और इसके पीछे एक बास्केटबॉल का कोर्ट है सिर्फ मैन के लिए, इधर बास्केटबॉल खेला जाता है। ये रहा हमारा बहुत ही तगड़ी व्यू, ठीक है, मस्जिद मास्क्यू जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारे अतुल भाई और ये है हमारे मशूक भाई। गाइज ये रहा हमारा हेलीपैड, ठीक है, हेलीपैड का व्यू थोड़ा इस तरह से है। ये लोगों ने ऐसे चेयर वगैरह मतलब के पार्किंग एरिया बनाया हुआ है लेकिन इधर ज्यादातर हेलीकॉप्टर बैठ। सबरंग का व्यू, मैं बोल था ना सबरंग, ये मेरी मतलब के सबसे फेवरेट प्लेस है, ठीक है, सबरंग। और गाइज जो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े हेड हैं, मैं उनसे चलो मिला नहीं, इधर से मिल देता हूँ, वो हैं हमारे, ये देखिए प्रोफेसर मासूद अकबर, अकबर मासूद बोलो या मासूद अकबर, ये देखिए मैं इनको बताऊँ आपको बताता हूँ, वाइस चांसलर साहब हमारे, ठीक है। ये रहा यूनिवर्सिटी का गेट, मैन गेट, ठीक है, लोकल को तो बिल्कुल भी अलो नहीं है इधर, ठीक है, पेरेंट्स अलो हैं ये बात नहीं है, स्टूडेंट के साथ हैं अलो। और गाइज ये देखिए सबरंग, सबरंग का व्यू आप देखिए, ठीक है, ये रहा सबरंग। गाइज ये रहा सबरंग का व्यू, फ्रंट व्यू इसका, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये देखिए कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है, देखा आपने, मुझे तो बहुत अच्छा व्यू लगता है ये इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। वो रहा बैंक, ये न्यू बुक अवेलेबल्स चीफ प्रोटेक्टर का ऑफिस, ठीक है, इधर कैंटीन भी आपको मिल जाएगा एक। तो दोस्तों ये है जेके बैंक की ब्रांच और ये साथ में है एटीएम यहाँ पर, ये रहा हमारे स्टाफ क्वार्टर वगैरह, ठीक है, जिसमें डीन सर भी, एचओडी वगैरह मतलब के काफी टीचर्स भी वगैरह रहते हैं इधर। और इसका थोड़ा मतलब के व्यू, फ्रंट का व्यू इस टाइप का है थोड़ा। और ये रहा फातिमा जहरा हॉल जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, इसको हम गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे गर्ल्स लड़कियां मतलब के बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये देखिए गाइज यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्ले ग्राउंड है बहुत बड़ा, इधर फुटबॉल भी खेला जाता है, हर एक गेम खेली जाती है, क्रिकेट तो इधर मतलब के बहुत ही फेमस गेम है इधर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और ये देखिए गाइज सर सैयद हॉल बॉयज का, जिसमें हमारे सिर्फ लोकल बच्चे जो इधर एडमिशन जिन्होंने ली है वो वाले बच्चे इधर सिर्फ अवेलेबल किए गए हैं, कश्मीर के बच्चे स्पेशल अनाउंस किया ऊपर के लिए और पढ़ना जा रही है हमारे आगे, ठीक है। बस अब हम पहुंच चुके हैं बसंत की कैंटीन में, ये रहा बसंत का कैंटीन, ये रहा स्पोर्ट्स ऑफिस, ये देख लीजिए स्पोर्ट्स ऑफिस। और अब हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, नीचे आपको बताएंगे क्या बताएंगे, ये देखिए पार्किंग एरिया, और क्या बता रहे हैं आप, इंग्लिश डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये रहा कौन सा डिपार्टमेंट, ये रहा सेंटर ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट, ठीक है, देख सकते हैं इसका व्यू आगे से, देखिए आप क्या बात है भाई, क्या बात है। इधर देखो फाउंडेशन डे बनाया था, वो देखिए FOUNDA TION है, TI है ही नहीं और ON, किसने उखाड़ लिया होगा, या हवा की जब हम लाइब्रेरी भी है वो भी बताएंगे आपको। गाइज जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसका व्यू थोड़ा इस तरह से है, ऊपर की तरफ देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ट्रीज भी बहुत तगड़ी है, ठीक है। और अब हम कौन से डिपार्टमेंट में आ गए, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ये नई लीड बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, इसके ऊपर हमारा बॉयज हॉस्टल है, नीचे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है जो मैंने आपको बताया APJ, ठीक है, फिर सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज, फिर बॉटनी लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, फिर फुटबॉल ग्राउंड भी है एक इधर नीचे, ठीक है, वो मुझे भूल गया थोड़ा, मुझे स्किप हो गया, तो फुटबॉल ग्राउंड भी है, ठीक है, आगे चलो आप आगे।
गाइज ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, मैंने आपको बताया था ना मैं आपको बताऊंगा उसका व्यू, उसका फ्रंट व्यू देखो क्या बन रही है यार। ये अभी बनी नहीं है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में काम इसका चल रहा है। गाइज क्या व्यू गाइज, ये इंडिया की ना सबसे टॉप और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है, एपीजे अब्दुल कलाम सेंट्रल लाइब्रेरी। ये देखिए इसका लोगो। और गाइज, और अब हम यूनिवर्सिटी के लास्ट जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं वहां की तरफ जा रहे हैं। और गाइज अब हम अंदर पहुंच गए, ठीक है। फ्रंट का व्यू देखिए, बायोटेक्नोलॉजी रहा वो नीचे दिख रहा आपको, ये है ऑफिस है ये यहाँ पे। और गाइज ये बात सोच लिए कि आप इधर आए हैं, और ये हमारा रहा जूलॉजी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जूलॉजी के ऊपर ही बॉटनी है, और वो नीचे हमारा रहा बायो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ के। इसका जो फ्रंट का व्यू है वो थोड़ा इस तरह से है, मतलब के सबसे अलग से और सबसे अजीब सा और सबसे ब्यूटीफुल भी है। ग्रीनरीज इधर बहुत है, मतलब कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर देखा जाए, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी होते हैं उसका इन्वायरमेंट देखिए आप, इधर कोई आपको रैपर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, और ब्यूटी ज़्यादा दिखेगी इधर आपको, नेचर ब्यूटी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है गाइज। हर जगह आप ग्रीनरीज ज़्यादा दिखेगी इधर। और अब हम चलते हैं, ठीक है गाइज। एट लास्ट माई व्लॉग इज एंड, एंड प्लीज फर्स्ट में लाइक, ठीक है, शेयर, ठीक, कमेंट, और बेल आइकन का जो बटन होता है उसको दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि आप दबाएंगे तो हमारा भी तो एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपकी वजह से हम खड़े हो रहे हैं, सपोर्ट आपकी मिलेगी तो हमारा भी चैनल ये आगे आगे शेयर होगा, ठीक है, थैंक यू। और गाइज लास्ट में प्लीज शोएब भाई का चैनल है जो, उसको सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ठीक है।